नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी। अब एक फोन घुमाओ, घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787 7325052437। जीएस न्यूज पर चल रहे प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता में आज का सवाल, विश्व बैंक ने भारत में कितने करोड़ रुपए की 4 परियोजनाओं को मंजूरी दे दी है? ए 3887 करोड़ रुपए, बी 4887 करोड़ रुपए, सी 5887 करोड़ रुपए या डी 6887 करोड़ रुपए। वीडियो को रोककर अपना जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दें। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह पहुंचे भागलपुर, जनसंख्या नियंत्रण पर दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह भागलपुर पहुंचे और इस दौरान भारत की बढ़ती आबादी को लेकर जनसंख्या नियंत्रण पर मंत्री ने एक बयान दिया, जिसमें उन्होंने कहा कि भारत की जनसंख्या नियंत्रण को लेकर संसद से सड़क तक आंदोलन करना चाहिए और इस आंदोलन में लोगों के अंदर एक जज्बा होना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत की आबादी इतनी हो गई है कि दिल्ली से लेकर शमशान घाट तक लोगों की भीड़ लगी रहती है, वहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सभी लोगों को पार्टी, जाति, धर्म, समुदाय से ऊपर उठकर इसकी लड़ाई संसद से लेकर सड़क तक लड़नी चाहिए। आगे उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोगों को जनसंख्या नियंत्रण को लेकर उक्त लड़ाई में भागीदारी होनी चाहिए। 4 कमरे की स्कूल की आबादी हो जाती है, वही अस्पताल में, वही नौकरी में, सारे जगह। अब तो दिल्ली में शमशान में भी भीड़ लगने लगा। इसे धर्म के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे वोट के चश्मे से नहीं देखना चाहिए, इसे भारत के विकास और सामाजिक समरसता के नजरिए से देख करके देश में एक कड़ा कानून जनसंख्या नियंत्रण होनी चाहिए, जो समाज के सभी वर्ग पर एक समान लागू हो, चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, चाहे बौद्ध हो, चाहे जैन हो। और ये सड़क से लेके संसद तक इसकी लड़ाई लड़नी चाहिए, इस पर चर्चा होनी चाहिए, पार्टी से ऊपर उठ करके, जाति और धर्म से ऊपर उठ। क्या इसमें केंद्र सरकार को ऐसा प्रपोजल है? अब बोल दिए आपसे कि सड़क ले से लेके संसद तक इस पर लड़ाई होनी चाहिए, इसका मतलब जनता में इसकी जागरूकता के लिए जगह चाहिए। मेट्रो तो लोग कहते थे गिरिराज जी अब हम लोग स्ट्रेस फ्री ट्रेवल करेंगे। मेरे चाचा जापान गए थे, एक व्यक्ति ने कहा स्ट्रेस हम लोग की, भगवान आपको दिल्ली रहते हैं, आज दिल्ली चले जाएंगे पी काबर में, रामदेव बाबा योग गुरु रहें या ना रहें, गाड़ी पे लोग चढ़ा देगा, गाड़ी पर उतार देगा, क्या हालचाल। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन, नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ, जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817 7992499821।
भागलपुर कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार पहुँचे भागलपुर। बिहार सरकार के कृषि विभाग के सचिव डॉक्टर एन श्रवण कुमार एक दिवसीय दौरे पर हेलीकॉप्टर से भागलपुर पहुँचे, जहाँ वे बिहार सरकार के कृषि विभाग द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं और बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर द्वारा चलाए जा रहे शोध कार्यक्रमों और योजनाओं की जानकारी अधिकारियों से प्राप्त की और किसानों के सर्वांगीण विकास को लेकर कई दिशा निर्देश अधिकारियों को दिया। इसके पहले हवाई मार्ग से भागलपुर हवाई अड्डा पहुंचे कृषि विभाग के सचिव का स्वागत जिलाधिकारी प्रणव कुमार, जिला कृषि पदाधिकारी कृष्णकांत झा ने बुके देकर किया, जिसके बाद कृषि विभाग के सचिव सबौर कृषि विश्वविद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने कृषि विश्वविद्यालय में आयोजित किसानों के साथ संवाद कार्यक्रम में भाग लिया। तो उसको देखते हुए इस साल संपूर्ण राज्य में इसको हम लोग ने अभी 14 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी के करकमलों से हम लोग ने इसको शुभारंभ किया। इसका सबसे बड़ा फायदा यही है कि जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है वो बहुत बड़ा, उसका बुरा असर कृषि में भी पड़ रहा है, तो उसी को उस तरह का राज्य सरकार चाहती है ऐसा सोचने का मैं चाहूंगा इस अवसर पर BAU सबौर से कि इस दिशा में एक पायनियरिंग रोल आप लोग प्ले किया जाए। पहले भी आप लोगों ने किया है, जैसे पिछले साल हम लोग ने अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का इसी सब्जेक्ट पर जो फसल अवशेष प्रबंधन पर हम लोगों ने आयोजन किया है, उससे काफ़ी अच्छा जानकारी भी हमें प्राप्त हुई है। लेकिन अभी आगे की और आगे कार्रवाई करने की ज़रूरत है कि जो ये फसल अवशेष है उसका प्रबंधन के बारे में अनुसंधान हो और उसके लिए कुछ इंडस्ट्रीज हम लोग बैठाना हो या और क्या करना चाहिए उसके बारे में एक स्पष्ट अनुशंसा आप लोग डिपार्टमेंट को भी देंगे तो हम लोग जलवायु के अनुकूल खेती। जलवायु परिवर्तन बहुत बड़ा एक समस्या हो गया आज के ज़माने में, उसके कारण से बाढ़ की स्थिति, सुखाड़ की स्थिति, अतिवृष्टि, इस तरह की समस्याएं हो रही है, उससे मतलब फसल पर बहुत बड़ा बुरा असर पड़ रहा है। उसको देखते हुए जैसे जैसे परिवर्तन हो रहा है क्लाइमेट चेंज का यानी जलवायु का परिवर्तन, उसके अनुसार हम कैसे किसानों को तैयार करें, किसानों को प्रशिक्षित करें, उस पर हम लोग कार्रवाई करें। माननीय मुख्यमंत्री जी का निर्देश हुआ है कि कृषि विभाग का एक टीम हवाई सर्वेक्षण करें पूरे संपूर्ण बिहार का, और वहाँ पर जो पराली और या पुआल जलाने की समस्या है तो उसका कितने दूर तक इससे ऐसा समस्या है उसके बारे में देखने का। हम लोगों ने अभी तक इसे लगातार 3 दिनों से कई जिले में हम लोगों ने इस तरह का लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। कई जगह पर इसका जो फसल अवशेष का जलाने का समस्या हम लोग देख रहे हैं और जो वो गलत है तो उसके बारे में हम लोग किसानों के बीच में जागरूकता और फैलाएंगे और उसके साथ साथ किसानों को मदद करने के लिए भी फसल अवशेष का यानी पुआल को कैसे प्रबंधन किया जाए उसके बारे में हम लोग उनको पूरा मदद करेंगे। लेकिन हम लोगों का भी है हवाई सर्वेक्षण करने का उद्देश्य यही है कि वो कितना सीरियसली चल रहा है, कहाँ कहाँ किस किस एरिया में चल रहा है उसके बारे में हवाई सर्वेक्षण करना है। जो मुख्यमंत्री मोदी के OSD साहब भी आए हुए हैं, गोपाल सिंह जी भी हैं, ठीक है, हम लोग इसको देखने के लिए। क्या स्थिति देखे सर, क्या लगा सर? देखिए कई जगह पर तो हम लोग लगातार तीसरा दिन है ये, ठीक है, खासकर कुछ दक्षिण बिहार के जिलों में तो बहुत ज़्यादा देखा गया, इन एरिया में तो हम लोग नहीं देख पाए क्योंकि मुझे लगता है कि ऑलरेडी 20-25 दिन पहले यहाँ पर गेहूं की बुआई हो गया तो क्या इसलिए पता नहीं चल रहा है। लेकिन हम लोग किसान से भी मिलेंगे, अभी भी हम KVK के जा रहे हैं, वहाँ पर भी कुछ किसान से मिलेंगे और बातचीत करेंगे, इसके लिए क्या समाधान निकालना उसके बारे में हम लोग तकनीकी। नवगछिया, शिक्षक के मोटरसाइकिल के झोले में रखे 2 लाख रुपए को चोरों ने उड़ाया। नवगछिया शहर के मेन रोड के न्यू चांदनी मॉल के पास अपना किराना स्टोर से अपराधियों ने शिक्षक के 2 लाख रुपए की चोरी कर ली। अपराधियों ने शिक्षक के मोटरसाइकिल में बंधे झोले में रखा 2 लाख रुपए को झोला काटकर झोला सहित उड़ा ले गए। घटना के संदर्भ में शिक्षक कजरेली थाना क्षेत्र के सिमरिया गाँव निवासी मोहम्मद असद ने बताया कि मध्य विद्यालय बनिया में वे शिक्षक हैं। गुरुवार की दोपहर के समय वे नवगछिया SBI बैंक शाखा से घर निर्माण कार्य को लेकर 2 लाख रुपए की निकासी की। रुपए की निकासी करने के बाद झोला में पैसा रखकर अपनी लाल रंग की हीरो ग्लैमर मोटरसाइकिल में झोले को बांध दिया। इसके बाद वे आगे निकल गए और बिहारी अतिथि सदन के पास मोटरसाइकिल को लगाकर किराना दुकान में कुछ सामान खरीदारी कर रहे थे। वहीं सामान खरीदने के बाद
जब वापस लौटे तो देखा कि मोटरसाइकिल पर बंधा हुआ झोला गायब है। अपराधी ने झोले हैंडल के पास से काटकर झोला सहित पैसे लेकर चले गए। वहीं पैसे गायब होने के बाद पीड़ित शिक्षक ने घटना की सूचना नौगछिया पुलिस को दी। सूचना मिलते ही नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की छानबीन शुरू की है। इस दौरान पुलिस ने किराना दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे को देखा तो सीसीटीवी कैमरे में घटना को अंजाम दे रहे युवक की पूरी गतिविधि कैद थी। सीसीटीवी फुटेज में एक युवक बड़ी ही चालाकी से मोटरसाइकिल में बंधे झोले को काटकर झोला लेकर वहां से निकल गया है। वहीं नौगछिया थाना अध्यक्ष अमर विश्वास ने कहा कि घटना के संदर्भ में पीड़ित के बयान पर मामले की प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। पुलिस अपराधी की गिरफ्तारी के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। अभी यहाँ पर लगी हुई थी, दो सेकंड हुआ यहीं पर गप कर रहे थे हाँ, और जैसे नज़र हम इधर थे तो झोले नहीं था। कहाँ से आ रहे थे आप? शाही बैंक से। कौन बैंक? बैंक से स्टेट बैंक। कितना पैसा था? पैसा कितना था? दो लाख। किस लिए निकाले थे? काम के लिए निकाले। घर? भागलपुर। क्या नाम हुआ सर? असद नाम हुआ। क्या? असद नाम हुआ। पूरा नाम बोलिए। संजीव असद। घर? घर हुआ कजरेली थाना सिमरिया। नौगछिया पैसा निकालने आए थे? हाँ, यहाँ सर्विस करते हैं। किस चीज़ में काम करते हैं? टीचर में। कहाँ पे हैं टीचर? बनिया में। कौन विद्यालय? कौन विद्यालय? मध्य विद्यालय बनिया। किस लिए पैसा निकाले थे? घर में काम लगा। घर बना रहे हैं। नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र में प्रेम प्रसंग में 35 वर्षीय मुकेश मंडल की गोली मारकर हत्या। घटना 12 सीट दियारा में। नवगछिया पुलिस जिला के गोपालपुर थाना क्षेत्र के तिनटेगा करारी के 12 सीट दियारा में प्रेम प्रसंग में 35 वर्षीय मुकेश मंडल पिता स्वर्गीय नागे मंडल की गोली मारकर हत्या बेखौफ अपराधी ने कर दी। मिली जानकारी के अनुसार मृतक मुकेश मंडल 12 सीट दियारा में अपने खेत में पटवन करने गया था। इसी बीच 4 की संख्या में हथियारबंद अपराधी ने मुकेश मंडल को 4 गोली मारी है, जिससे मौके पर ही उसने दम तोड़ दिया। परिजनों की इसकी जानकारी मिलने पर मृतक के चाचा चारू मंडल गोपालपुर थाने में आकर मुकेश की हत्या की जानकारी गोपालपुर पुलिस को दिया है। घटना से 2-3 दिन पूर्व प्रेम प्रसंग के कारण मृतक के परिजनों व अपराधियों के बीच गोलीबारी की घटना हुई थी, जिसे ग्रामीणों द्वारा पंचायत कर मामले को सुलझा दिया गया था। परंतु घात लगाए अपराधियों ने मौका पाकर 12 सीट दियारा में गुरुवार की देर शाम को गोली मारकर मुकेश मंडल की हत्या कर दी। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही गोपालपुर थाना अध्यक्ष इंस्पेक्टर कुणाल अन चक्रवर्ती दलबल के साथ घटनास्थल की ओर निकले तथा स्थानीय ग्रामीणों के सहयोग से 12 सीट दियारा से शव को लाने के प्रयास में लगे हुए हैं। हत्या की घटना के बाद तिनटेगा करारी गांव में तनाव का माहौल उत्पन्न हो गया है। गोपालपुर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मामले की जानकारी वरीय पदाधिकारी को देकर तत्काल अपराधियों की धरपकड़ हेतु छापेमारी किया जा रहा है। नवगछिया, लालू यादव को अपनी किडनी दान में देंगे जिला प्रवक्ता विश्वास झा। राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव के किडनी की बिगड़ती हालत को देखते हुए राजद नेताओं में मायूसी छाया हुआ है, जिसको लेकर राजद की ओर से जिला प्रवक्ता सह मीडिया प्रभारी विश्वास झा ने अपनी किडनी लालू यादव को दान देने की इच्छा जताई है। नवगछिया, केयर इंडिया की जिला टीम ने रंगरा पीएससी में चल रहे कायाकल्प योजना का लिया जायजा। केयर इंडिया की डिस्ट्रिक्ट टीम ने गुरुवार को रंगरा पीएससी में चल रहे कायाकल्प योजना के तहत चलाए जा रहे कार्यों का जायजा लिया। टीम के सभी सदस्यों ने बारीकी से सभी योजनाओं का निरीक्षण किया और आवश्यक निर्देश दिए। नवगछिया, 3 दिन बाद भी नहीं हुई गिरफ्तारी, जिला पार्षद ने पुलिस व्यवस्था पर उठाया सवाल। रंगरा के सदवा चापर गांव में हुए कृष्णदेव सा उर्फ मतवाला हत्याकांड मामले में घटना के 3 दिन बाद भी पुलिस एक भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। मालूम हो कि हत्याकांड में मृतक के पुत्र ने 4 लोगों को नामजद और 3 अज्ञात के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराई थी। रंगरा के जिला पार्षद सवाना आजमी ने पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठाते हुए कहा कि आए दिन हत्याएं और अन्य जघन्य वारदातों के मामले सामने आ रहे हैं, लेकिन पुलिस यथास्थिति वाद की शिकार है। सवाना आजमी ने पुलिस के वरीय पदाधिकारी से रंगरा चौक प्रखंड क्षेत्र में चुस्त दुरुस्त पुलिसिंग की व्यवस्था करने की मांग की है। साथ ही हत्याकांड में संलिप्त सभी अपराधी की गिरफ्तारी कराने की मांग की है। कृपया ध्यान दें कि अब खबर 1 मिनट के विज्ञापन के बाद प्रारंभ होगा। अब आपके शहर नौगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा,
पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें कान्हा स्वीट्स, प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया। संपर्क करें 9060127642, 9308708313। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। गोपालपुर बिना चना के डीलर बांट रहे अनाज, लाभुक काट रहे बवाल। सैदपुर पंचायत के डीलर मोती रजक द्वारा लाभुकों को बिना चना दिए ही अनाज का वितरण करने पर लाभुकों ने जमकर बवाल काटा। लाभुकों में मसोमा, दामिनी देवी, राधा देवी, कौशल्या देवी आदि ने बताया कि डीलर द्वारा गेहूं व चावल दिया जा रहा है, चना नहीं देने पर उन लोगों का आक्रोश जारी है। जबकि नवंबर तक कार्डधारियों को डबल अनाज व 1 किलो चना दिया जाना है। चना नहीं देने पर लाभुकों ने जमकर बवाल काटा। डीलर मोती रजक ने बताया कि मुझे गेहूं व चावल की आपूर्ति की गई है, जबकि मशीन में चना भी लोड किया गया था। बार बार मांगे जाने के बावजूद चने की आपूर्ति नहीं की गई है। ऐसे में मैं चना कार्ड धारकों को कहां से दूंगा। चना नहीं देने पर कार्ड धारक का आक्रोश मुझे झेलना पड़ रहा है। नवगछिया, फोन पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप। मधेपुरा जिले के भिखरी वार्ड नंबर 25 निवासी राकेश कुमार रोशन ने फोन पर जान से मारने की धमकी एवं घर पर चढ़कर गाली गलौज करने एवं नाबालिग पुत्री को बाला फुसला कर शादी की नियत से भगाने की साजिश करने का आरोप लगाते हुए नौगछिया थाने में आवेदन दिया है, जिसमें उन्होंने नौगछिया के रसलपुर निवासी सुमित कुमार उर्फ राणा एवं राकेश कुमार पर आरोप लगाया है। उन्होंने बताया कि वह अपने परिवार के साथ रसलपुर में ही रहते हैं। उक्त दोनों युवक मेरे घर पर आकर मारपीट व गाली गलौज व जान से मारने की धमकी देते हैं। नौगछिया थाना अध्यक्ष ने कहा कि आवेदन के आलोक में पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। नवगछिया का एकमात्र ऐसा स्थान जहां शादी विवाह मनाने का है संपूर्ण समाधान, होटल फूड प्लाजा के सोना ओपन मैरिज गार्डन। नवगछिया का सबसे सस्ता और सबसे उत्तम व्यवस्था के साथ जहां उपलब्ध है एसी ननेसी कमरे, मंडप, बुफे काउंटर, हाई टी, डीजे फ्लोर, रोटेशन लाइट के साथ सभी आधुनिक व्यवस्था आपके लिए। आइए, आपका इंतजार है। होटल फूड प्लाजा के सोना मैरिज गार्डन, 0 माइल नवगछिया भागलपुर। संपर्क सूत्र 9661904817, 7992499821। नौगछिया सहित आसपास के लोगों के लिए खुशखबरी, अब एक फोन घुमाओ घर पर सामान पाओ। अब बाजार जाकर ही राशन खरीदने की क्या है जरूरत, जब ओई मार्ट है आपके लिए तैयार। ओई मार्ट के मोबाइल ऐप व वेबसाइट से करें खुलकर खरीदारी, पाएं होम डिलीवरी। संपर्क करें 8340371787, 7325052437। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। घर पर मंगवा कर खाएं सुंदरम का खाना। फ्री होम डिलीवरी के लिए अभी कॉल करें 8969339666। हमारा पता है माँ गायत्री प्लाई, फर्स्ट फ्लोर, ऑटो स्टैंड, नवगछिया, NH 31। सभी तरह के फास्ट फूड जैसे रोल, चाउमीन, मोमोज, बिरयानी, नूडल्स, सभी तरह के चाइनीज फूड के लिए जरूर पधारें। सुंदरम फास्ट फूड, राजेंद्र कॉलोनी मोर स्टेशन के सामने, नवगछिया। अब आपके शहर नवगछिया में पहली बार फ्लैक्स बैनर प्रिंट हाथों हाथ पाए। फ्लैक्स प्रिंट, लाइट बोर्ड, रेडियम बोर्ड, नेम प्लेट, नंबर प्लेट, ग्रेनाइट मार्बल पत्थर पर खुदाई के लिए संपर्क करें विनायक आर्ट, गौशाला रोड, पुरानी गैस ऑफिस के सामने, नवगछिया। मोबाइल 7295830773, 9303767170। अब आपके शहर नवगछिया में कान्हा स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट। हमारे यहाँ स्वादिष्ट मिठाई जैसे काजू पान, काजू फ्रूट, काजू कतली, मोती पाक के अलावे एक से बढ़कर एक लजीज मिठाइयाँ उपलब्ध है। शुगर फ्री मिठाई के लिए संपर्क जरूर करें। साथ ही पनीर डोसा, पनीर पिज्जा के लिए जरूर पधारें कान्हा स्वीट्स,
प्रोफेसर कॉलोनी नौगछिया। संपर्क करें 9060127642 9308708313।